तो नमस्कार दोस्तों, मिस्टर मीना यूट्यूब चैनल पे आपका जोर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको ले चलता हूँ यार, यहाँ टोंक जिले में जो हाथीबाटा दिख रहा है आपको सामने जस्ट, तो आज मेरे साथ में जो यहाँ के स्थानीय निवासी है अमर सिंह जी मीणा है, और ये मेरे साथ में क्या बिल्कुल गोस्वामी जी है। और अमर सिंह जी की दुकान भी यहाँ पे चाय की, आप आ सकते हैं। और हमारा स्टूडेंट है 11वीं क्लास का, राजकीय स्कूल में चकोड़ में पढ़ता है, बहुत बढ़िया सेवा करेगा आपकी। और आप मेरे नंबर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, तो आप दिखाते हैं मेरे साथ कैमरा मैन से, मैं बोलूंगा कि आप एक बार इस जगह का पूरा मतलब भैया धीरे धीरे घूम जाना, मतलब यहाँ पे और क्या चीज है, मतलब धीरे धीरे मतलब सोलो सोलो चारों तरफ घूम जा, मतलब कैमरा लेकर के पूरा दिखा दे कि भाई यहाँ पर ये है, जैसे कोई आए तो उनको पता चल जाए कि इस जगह पे ये चीज है। तो दोस्तों अब आपको ले चलते हैं बिल्कुल उस मूर्ति के पास में जो हाथी बाटा आप देख रहे हैं, और आ जाइए कैमरा मैन से बोलूंगा कि आप मेरे साथ साथ आइए। और हमें दिखा रहे हैं अमर सिंह मीणा जी और बिल्कुल गोस्वामी जी, क्योंकि मैं भी आज हूँ तो टोंक जिले का निवासी, लेकिन यार दोस्तों मैंने क्या पहले कभी नहीं देखा हाथी बाटा, जो आज मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ ये जो सामने इतनी बड़ी मूर्ति है, ये है हाथी बाटा। अब इसकी जो कथा भी मैं बताऊंगा आपका, इसकी हिस्ट्री पहले इसको पूरा दिखा देते हैं। जिस चीज का लोग करता है तो बस उंगली का ध्यान रखो, कैमरे में नहीं होगा इसका पूरा बैकग्राउंड लेना है, पूरा दिख रहा नहीं आती कैसे कैसे ये प्रसाद ले जाओ। हाँ अभी आ रहे सर, हमारे सारों का निधो लो अमर सिंह जी, प्रसाद देखो आज हमें प्रसाद ही मिल रहा। देखो हमारे बहुत लक के आदमी है, हम हमारे उनके लिए भी दे दो कैमरा मैन जी के लिए, धन्यवाद। ले अमर सिंह उसको रख ले यार, ओके दोस्तों आज हम आए तो हमें है ना प्रसाद मिला, आप भी आओगे तो कौन कोई मिलेगा यहाँ पे, प्रसाद मिल जाएगा आपका, शाम तक भर जाएगा। तो ये वो हाथी बाटा जगह है, और इसकी जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा आपको बिल्कुल, पहले आपको इसको चारों तरफ का बैकग्राउंड दिखा देता हूँ, तो आप धीरे धीरे आ जाए। इधर से भी दिखाइए, और इस तरह से चलते हैं अपन, बिल्कुल पूरा आना चाहिए सर जी, हमें दिखना चाहिए। तो देखो दोस्तों इतना बड़ा हाथी है यार, ये तो कुछ नहीं यार, ये तो बड़ी फिसलन आ रही है यार, ये क्या चक्कर है यार। दो माय का और सर जी बस जाओ, भगवान का बस जाओ से नहीं, उधर है उधर यार, ये यार उधर फिसल जाएंगे। तो यार देखो ये इतना बड़ा हाथी है जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ, देखो मेरी 5.5 फीट हाइट है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम। ये दोस्तों आमेर के मीणाओं द्वारा बनाया गया था ऐसा कहते हैं, और इसका आगे से देखिए, पहले इस साइड में आइए आगे से थोड़ा सा क्या यार, मैं वापस ही जूते मोजे खोलने पड़ेंगे मुझे, नहीं वापस फिसल जाऊंगा। तो यार इनको पकड़ना, तो मैं पहले इनके दर्शन टोक दे लेता हूँ, क्योंकि यार मैं भी मीणा ही हूँ। देखो साहब इधर से ये जो आगे से इसकी सूंड दिख रही है, और ये जो क्या है सींग है इसके हाथी दांत के, और यहाँ पे इसकी पूजा होती है। जैसे हमारे भारतीय हिंदू धर्म में जानते हैं कि हम इसको गजानन जी का प्रतीक मानते हैं, मतलब एक तरह से गणेश जी की ये प्रतिमा है, और इनकी असीम कृपा से हमारे बिगड़े हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कई लोग जो हम कोई मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली या गाड़ी जीप वगैरह कुछ भी लाते हैं, तो हम पहले श्री गणेश करते हैं किसी भी काम का, तो इसलिए करते हैं कि ताकि हमारी कोई विघ्न या बाधा न आ जाए। दोस्तों ये बताते हैं आपको कि इसकी जो कहानी बनी हुई है, ऐसा कहते हैं कि जो कछवा थे, जो भारमल कछवा जयपुर के राजा थे,
आपको बता दें कि हमारे जयपुर के आसपास पहले 11वीं शताब्दी में मीनाओं का राज था, तो बाद में जो है नरवर के जो शासक 1137 में जो आए थे कोकुलदेव, और उसके बाद में जो दूल्हे राय आया 1230 में, दूल्हे राय ने क्या करा कि मीनाओं को हरा दिया था और कछवा वंश की नींव डाली थी। तो मीनाओं ने वापस जयपुर लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने जयपुर लेने में कामयाबी तो हासिल करी, आमेर को अपनी राजधानी बना ली, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक शर्त रखी थी कि भाई अगर तुम अगर ओरिजिनल मीणा होंगे, असली मीणा होंगे, तो आप ऐसा करोगे कि हमारे हाथी को हम आपके उससे जुड़ से ले जा सकते हैं, आपके सामने आपके हाथी को ले जा सकते हैं। मीणाओं ने कहा कि अच्छा ऐसा ले जा सकते हो क्या? हाँ कि ले जा सकते हैं। तो कछवाओं ने मान लिया कि अगर ये बात सही है तो आप हमारे झुंड में से इस हाथी को ले जाइए। तो वो जैसे वो जो पूरा सैनिक शिविर कहते कि यहाँ पे हाथियों का पूरा झुंड बैठा था, उस झुंड में से उन मीणाओं ने जो आमेर का मीणा जो बहादुर थे, शक्तिशाली प्रतीक थे, आज भी आमेर का किला उस चीज का गवाही है जो जयपुर में बसा हुआ है, जो आपने देखा होगा बाद में जय आमेर वगैरह नारगढ़ वगैरह ये तो बाद में बने थे, जयगढ़ का किला वगैरह। तो ये जो प्रतीक दिख रहा है आपको गजानन जी का, ये उन्हीं आमेर के मीणाओं के द्वारा बनाया गया है जिन्होंने कछाओं की चैलेंज के सामने बनाया था, उस जिंदे हाथी की जैसा का जैसा हाथी बना दिया और ओरिजिनल को वो ले गए और उसकी जगह पर ये गजानन जी छोड़ गए। तो वो आज भी ये जगह और उस जगह का नाम है हाथीबाटा। और मैं आज इन दोनों भाइयों के साथ में आया हूँ जो इनका गांव पास भी, अमर सिंह मीणा और दिलकुश गोस्वामी के साथ में, तो इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। तो आइए फटाफट। तो देखिए ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है डावली श्री सीताराम, जैसे किसी और ने लिखा हुआ बाद में वो भी गया काफी तरह। क्यों ना गोस्वामी, अब तू जा, तेरे की फोटो आ जाएगी ताकि वीडियो एडिट करेंगे ना सब, ले तू इधर जा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने खुद ने भी मेरे हाथ में कैमरा ले लिया और उसका चारों तरफ का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी मूर्ति है, शायद ये दुनिया में होगी है, इसे तो विश्व धरोहर में हमें रखना चाहिए। और मेरे साथ ये जो तीसरा बंधु हमारा कैमरामैन था, इसका नाम मैंने भूल गया, क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र जी है। और देखो साहब आपका इसका जी बिल्कुल क्लोजली क्लोज व्यू, इसका क्लोजअप बता देते हैं कि इतनी मेहनत से इन्होंने बनाया होगा। आप देख सकते हैं अभी तो ये थोड़ा जीर्ण शीर्ण भी हो गया, इसको तोड़ दिया होगा, आप देख सकते हैं इस तरह के कि मतलब ये चट्टान और छोरे खेल रहे हैं इसके नीचे, और नीचे का व्यू भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। देख सकते हैं चारों टांगे, वो बहुत बड़ा, हाँ यार काफी बड़ा व्यू है यार। देखो अब की बार नहीं फिसल रहा मैं यहाँ पे, देखो ठीक है। तो ये यहाँ से ये पूरा हाथी बाटा का दृश्य आपको बता दिया मैंने, और तो अमर सिंह जी तो ये यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं दोस्तों। और इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप बता दें, इधर भी पहाड़ी है, उधर भी पहाड़ी है, और इस साइड में भी पहाड़ी है। ये बच्चे बैठे हैं, इधर कोई पूजा पाठ करने वाले, उधर खेत है। और ये ककोड़ से कितना किलोमीटर पड़ता है भाई? ये ककोड़ से 3 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, बिल्कुल मेन रोड पे ही है, और आप कभी भी आ सकते हैं। काफी हरी भरी जगह है यहाँ पे। और इधर क्या है? बावड़ी है यहाँ पे। अच्छा, और वो यार तो बावड़ी का दृश्य भी बता देते हैं आपको यार, क्या खतरनाक। कहाँ ये क्या है? पाँव है। अच्छा अच्छा, देखो वो पैर हाथी हो के, वो यार वो तो देखे नहीं अपन इधर। वो यार लो इसको पकड़ो आप अब। अच्छा अमर सिंह जी आप पकड़ो ऊपर से, नहीं यहाँ से पकड़िए इस उंगली को ऊपर। नहीं सर ये हाथी के पैर नहीं है, खाली है सर। ये चार चार पाँव होती है। हाँ सर, एक गिना मैंने ही आदि, कभी पैंसठ आती है, कभी 66 आती है। अच्छा इनकी ये कहाँ से थे, ये क्या है? थालियाँ हैं। तो देखो मैं कोशिश करता हूँ गिनने की कितनी थालियाँ, यहाँ से गिन लेते। देखो आप यहाँ खड़े रहो,
देखो इनको गिन रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इनको गिनते जब कभी 64 आती कभी 65 आती, क्या वाकई सत्य बात है या झूठी बात है, तो आज इसकी पड़ताल कर ही लेते हैं यहाँ पे। तो मैं कैमरामैन अमर सिंह के साथ में इसकी ट्राई कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ खड़ा कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ भाई, यहाँ तू गिन के आना, मैं उधर जा रहा हूँ। चप्पल खोल, चप्पल सेम चप्पल खोल रहा हूँ यार, उस जगह से गिनता हुआ कितनी कितनी सारी थाली आ रही है। या फिर तू यहाँ आजा, मैं गिनता हूँ इसको, मेरी जगह पे आ, गिन तू वहाँ सुन, गिनता हुआ आजा, फिर मैं भी जाऊँ गिनता हुआ। पैर रखता है ना, छब्बीस है ना, तो एक मिनट यहाँ खड़ा रहे, मैं भी गिन लेता हूँ, उसको भी काउंट करता हुआ रहा हूँ। आपको मैंने काउंट कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 27 आई है इसको, इसको भी काउंट किया तो मैंने 27 आई है। अब भाई तू उस पर चिन लगा के आ जा, ये 27 हो गई, हाँ ये पत्थर डाल दे, उसको मैंने गिन लिया और ये 27 है, आ जाइए आप तू मेरी जगह पे आ जा, ये 27 हो गई ना, तूने 26 गिना था ना, तूने उसको छोड़ आया हुआ वो बिल्कुल है। अब यहाँ पे खड़ा हो जा, इसको गिन लिया अपन, याद रखना भाई तू इधर आ, ये कितने हैं, छह ना, रुक एक मिनट, तो उसको तो गिन ही लिया, 27 हो गया, 28, 29, 30, 31, 32, 33 हो गया, इसको गिन लिया। अब तू यहाँ पे खड़ा हो जा, 33 हो गया, अब तू लास्ट फ्लोर पे जा, उस वाले फ्लोर 33 हो गए है ना, यहाँ खड़ा हो जा, जाओ 33 हो गया, 33 हो गए। अब उसको गिन, वहाँ पे पत्थर रख दिया था अपन ने, इधर वाली गिन ली, इधर वाली गिन ली, अब रुको मैं आ रहा हूँ, ये गिन लिया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि वहाँ तक 33 होगी थी ना, तो ये 25 ही है, तो 33 और 25 कितनी हुई, अभी जोड़ लेते यहाँ, अब तू यहाँ पे राजू उसको काउंट कर लिया था, अब ये जोड़ कितने हुए, 18, उसको नहीं गिनना, यहाँ आ जा, 1, 2, 3, 4, 5 ही तो है, 5, 8, 8, 5, 13, तो ये तो 63 है, 63। तो यार दोस्तों अभी हमने गिनी थी ना, हाँ इसको काउंट कर लिया, नहीं उसके पीछे इसको गिन लिया ना, नहीं 64 है, तो फिर तो एक बार दो बार फिर गिनो इनको, नहीं मैंने वो है यहाँ पे खड़ा था ना, तू तो इसको यहाँ तक गिन लिया था, तो हमने 63 निकली थी, इसको गिन लिया था, एक्यूरेट 63 है, 64 नहीं है सर, एक बार दो बार गिनो, नहीं गिन लिया, अब मैंने 63 निकाला इसका और 63 काउंट करके बता दूंगा, चाहो तो आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो, मैं बताऊँ कैसे। तो यार ये दूर, ये तो बिल्कुल असत्य बात है कि भाई गिनने में नहीं आएगा। अब देखो मैं दोबारा से गिन रहा हूँ आपको कंफर्म कराने के लिए, वाकई 63 है या नहीं है, देखो अब मैं बता रहा हूँ आपसे, इसी जगह पे आ रहा हूँ मैं राउंड में गिनता हुआ, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
गिनते हैं। ये तब गिन लेते हैं।
सर ये ले बात 63 है यार ये रियल है सर के कभी 62 आती है कभी 64 नहीं आएगी 64 है एक एक्टर बना रखी है मैं गिनता हूं यहां से गिनता हूं हां यहां से गिनो आप इसको गिन जाओ एक लेना एक हां एक दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बाईस तेईस आ गए ना तो दोस्तों मैंने बता दिया बिल्कुल 63 है पहला आदमी है ये अब तक भ्रम में थे कि भाई इनको गिनना नहीं जाता लेकिन अभी आपके सामने मैंने दो बार गिना इसको मैं कैमरामैन जिससे सलाह दूंगा कि इसको थोड़ा सा ऊपर से पकड़िए आप तो ये कई सारे जो रूढ़िवाद और मनगढ़ंत कहानियां बना रखी है देखो ये वाली चीज मैं मानता नहीं हूँ और एक बार आपको दर्शन करा देता हूँ कि ये थालियां बनी हुई है इनका भ्रम था अभी बच्चों ने बोला कि भाई इनको कभी काउंट नहीं किया जा सकता कभी 63 आती कभी 64 आती है लेकिन मैंने अभी दो बार काउंट किया बिल्कुल एक्यूरेट 63 है ये और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसकी संख्या 63 है अगर आप कभी घूमने आओ तो आप इनको काउंट करके देखना आप तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना है बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और प्रणाम।